शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बेतियाहाता स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि शहीद भगत सिंह ने देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नगर विधायक ने कहा कि लोगों को शहीद भगत सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए। शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर हम सभी शपथ लेते हैं कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। इस अवसर पर आनंद शिवम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, दो पहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य पहने। दो पहिया वाहन पर शहीद भगत सिंह की बलिदान दिवस है और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन है। आपका स्वागत है। चूंकि शहर में भगत सिंह की मूर्ति उपलब्ध है तो हम उनके माध्यम से इन दोनों को, महान हुतात्मा सुखदेव को, राजगुरु को, चंद्रशेखर आजाद को, और उनके माध्यम से देश की आज़ादी में शहीद होने वाले और देश की आज़ादी के बाद देश की आज़ादी को बनाए रखने में संघर्ष करके अपना बलिदान करने वाले सारे शहीदों के प्रति, देश की सीमाओं में अपना बलिदान करने वाले, भारत को संरक्षित रखने वाले देश के महान सैनिकों, उन सबको हम प्रतीक के माध्यम से हम लोग इकट्ठे हुए हैं आज के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करने के। लोगों के मन में इनके प्रति जो भाव विकसित होना चाहिए उस भाव को स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए, उनसे उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेने के लिए ये हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारा देश उन सब व्यक्तित्वों का आभारी है, कृतज्ञ है और उनसे प्रेरणा लेता है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। नौजवान वही है जो संघर्ष करे, नौजवान वही है जो असहमति व्यक्त करे, नौजवान वही है जो व्यवस्था में गलत चीजें हों उनके विरुद्ध प्रश्न खड़ा करे। नौजवान कोई उम्र से नहीं होता, अपने मन से होता है और इसलिए हमारे लिए भगत सिंह भी नौजवान है और 75 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए बलिदान करने वाले त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती भी नौजवान है। तो नौजवानों का मेरा एक ही संदेश होगा, ये देश हमारा, इस देश की बेहतरी को, इस देश के भविष्य को बेहतर करने का काम इस देश का नौजवान कर सकता है। आने वाले समय में इस देश की बागडोर नौजवानों के हाथ में होगी, इसलिए नौजवान आगे बढ़े, देश के लिए संघर्ष करें और किसी प्रकार का समझौता करते हुए जो सच है उसको सच और जो झूठ है उसको झूठ करने की, कहने की हिम्मत पैदा करें। शायद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर लोहिया को यह सबसे बड़ा कृतज्ञता ज्ञापन होगा।